हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फ्यूचर इंडेफिनेट डे नंबर 20। फ्यूचर इंडेफिनेट, जो कि फ्यूचर में इंडेफिनेट हो, इस नाम से पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब यह कहा जाता है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी हमें कहना हो कि हम क्या काम करेंगे फ्यूचर में, तो उसे बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट को सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। कहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज होता है? तो दोस्तों, जब भी हमें बताना हो कि फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे, जब भी हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम करेंगे, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे कि सर आज फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ाएंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, वे यहाँ पर आएंगे, हम इस बारे में चर्चा करेंगे, मैं सर को बताऊंगा। मतलब जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई कार्य करेगा, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं। क्योंकि इस पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की गई है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बड़े ही सरल शब्दों में, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि चीज़ें आपके लिए आसान वे में होनी चाहिए, तो हम सभी के लिए इसको सरल बनाने के लिए मैंने एक कॉमन सा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल शैल भी होता है, पर हम सिर्फ विल के साथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि कॉमनली आजकल विल का ही यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी हमें कहना हो कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, तो वहां पर आप विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब ये सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का अर्थ होता है काम करने वाला। अगर मैं तो आई, हम तो वी, आप तो यू, इस तरीके से जो भी व्यक्ति काम करेगा तो उसे सब्जेक्ट के लिए हम उस सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैं जाऊंगा तो आई विल गो, आप बोलेंगे तो यू विल स्पीक, सर पढ़ाएंगे तो सर विल टीच। तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा काम करने वाला व्यक्ति रहेगा, मतलब जिसे हम कहते हैं डूअर प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन में बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल अकर एट द अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में अनस्पेसिफाइड टाइम पर होगी या फ्यूचर में कोई काम होगा, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज इन ए फ्यूचर टेंस। अब अफर्मेटिव क्या होता है? तो दोस्तों, सामान्यतः जो कोई भी टेंस सेंटेंस हम कहते हैं, तो वह सेंटेंस को चार तरीके से हम लिखते हैं। या तो हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बात होती है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा। थर्ड जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न पूछने वाली बात करते हैं। चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव या फिर WH सेंटेंसेस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं वो भी नेगेटिव वे में या फिर अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से चार प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो अभी हमने लिखा था, कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है, बड़े ही बारीक शब्दों में लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल शैल, पहले विल और शैल कॉमनली यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल कॉमनली आप विल का यूज कर सकते हैं। सर, अगर विल या शैल दो ऑप्शन हो जाए तो किसके साथ हम क्या लगाएं? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप सभी को याद रखना है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो बात होती है, हर कोई अपने आप को कॉन्फिडेंट रिप्रेजेंट करना चाहता है। कोई भी यह कहना नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर में कोई काम करूंगा जो कि इनडेफिनेट है। हर कोई अपने एक्शंस को, अपने काम को डेफिनेट वे में रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आई और वी के साथ भी हम शैल का यूज न करते हुए विल का यूज करते हैं। आई शैल मतलब मैं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए, ये संभावित है। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आई विल, मतलब मैं डेफिनेटली करूंगा। तो इसलिए सामान्यतः हम सभी के साथ किसका यूज करते हैं? आई विल का यूज करते हैं। आई विल का मतलब होता है कि मैं कोई काम करूंगा।
एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ दिए हैं कि आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, मतलब मैं परीक्षा के लिए अध्ययन करूंगा। दे शैल अराइव बाय 6 PM, वे लगभग 6 बजे तक आएंगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। कोई सा भी स्ट्रक्चर आए नेगेटिव बनाने के लिए, आप उस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे अभी हमने कहा कि आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें कहना है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई विल नॉट टीच। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। सर नहीं जाएंगे, सर विल नॉट गो। वे इस बारे में नहीं सोचेंगे, दे विल नॉट थिंक अबाउट दैट। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एक इसका यूज करना है, विल का यूज करना है, जिसके माध्यम से बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा। एडिंग नॉट में देखिए यहाँ पर बता भी दिया है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब, मतलब विल शैल के बाद क्या लगाना है हमको, नॉट का यूज करना है। ठीक है, अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में की बात करें, आजकल पता है आपको कि विल नॉट थोड़ा सा ऊंचा लगता है, लंबा लगता है, तो इसके लिए क्या कर दिया है, समय की बड़ी समस्या है, समय की बड़ी समस्या है, इसलिए हर चीज को हम शॉर्ट वे में करने के लिए चले हैं, और इसीलिए विल शैल नॉट को वोंट या शेंट भी कहा जाता है। वोंट, डब्ल्यू ओ एन टी वोंट का मतलब होता है विल नॉट, डब्ल्यू ओ एन टी वोंट का मतलब क्या होता है, विल नॉट। तो जब भी आपको कहना हो कि आप कोई काम नहीं करेंगे तो यू विल नॉट की जगह आप यू वोंट भी बोल सकते हैं। यू वोंट गो देयर मतलब आप वहां नहीं जाएंगे। आई वोंट थिंक मैं नहीं सोचूंगा, आई वोंट कुक फूड मैं खाना नहीं बनाऊंगा। इट मीन्स विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, वोंट, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी वोंट का यूज किया जा सकता है। जैसे आई विल नॉट मिस द डेडलाइन, जो बॉस के द्वारा जो डेडलाइन दी गई है मैं उसको मिस नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट मिस द डेडलाइन। शी शेंट बी लेट टू द मीटिंग, और वह मीटिंग के लिए लेट नहीं होगी, तो शी शेंट, शेंट का मतलब होता है शी शैल नॉट, है ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा तो उसे बताने के विल शैल के साथ नॉट का यूज करते, कॉमनली विल के साथ नॉट का यूज किया जा सकता। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो फॉर्मिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, क्या क्या सिचुएशंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो सामान्य तो हमने क्या बताया, इजी वे में अगर हम बात करें तो जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो वहां पर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। कैसे फॉर्म करेंगे, तो फॉर्म करने के लिए उसने बोला है कि हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना है, विल और शैल का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, विल और शैल का यूज करना है। जैसे मैं जाऊंगा तो मैं के लिए आई लिखा, और फॉर्म कैसे करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट को, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल, लेकिन कॉमनली आजकल विल का ही यूज किया जा सकता है। तो आप ऐसा बोलेंगे मैं जाऊंगा, तो आई विल और जो भी वर्ब काम करने की बात हो रही है, जो भी वर्ब एक्शन परफॉर्म करने की बात हो रही है, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। प्रोनाउन अग्रीमेंट भी होता है। प्रोनाउन अग्रीमेंट मतलब कैसे होता है, प्रोनाउन अग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा कि आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, वी यू दे के साथ आर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग अग्रीमेंट हमने पढ़े हैं। यहाँ पर प्रोनाउन अग्रीमेंट की बात जब हम करेंगे तो यहां पर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। सामान्य तो पहले होता था, पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता था और बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है सभी के साथ कॉमनली विल यूज किया जाता है। इट मीन्स आप सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट विल लगा सकते हैं। अब आपको यह सोचना नहीं है कि किसके साथ विल लगाएं या किसके साथ शैल लगाएं। ठीक है, अगर आपको ऐसी स्थिति दिखे कि विल या शैल में कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाएगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाएगा। तो ये स्थिति थी, तो यहां तक हमने बात की। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं जिनमें हम प्रश्न करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब प्रश्न कैसे होगा, सामान्यतः दो दो ही काम होते हैं, या तो हम जानकारी देने का काम करते हैं या जानकारी लेने का काम करते हैं। दोस्तों जब हम जानकारी देने का काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं,
जैसे मैंने जानकारी आपको दी, क्या जानकारी दी कि मैं अब टेंस पढ़ाऊंगा, तो नाउ आई विल टीच टेंस। आई विल टीच टेंस मतलब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब विल की बात करी। लेकिन जैसे ही मेरे को पूछना हो, क्या पूछना हो कि क्या आप वहां जाएंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब मैं बीच में यूज कर रहा था, जिस विल या शैल का यूज बीच में कर रहा था, उस विल या शैल का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करूंगा। जैसे कि आप भी सामान्यतः तो पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछना होता है ना कि आप खाना खाएंगे, विल यू ईट फूड, क्या आप जाएंगे, विल यू गो, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, विल यू हेल्प मी। तो बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है। क्या करना है आपको, आपको एक काम करना है कि सामान्यतः तो सभी के साथ आपको विल का यूज करना है। विल यू डू दैट, क्या आप यह काम करेंगे, विल यू गो, क्या आप जाएंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे, विल यू टर्न ऑन द फैन, क्या आप पंखा चालू करेंगे, विल यू स्विच ऑन द लाइट, क्या आप लाइट चालू करेंगे। तो इस तरीके से जब भी हमें किसी को पूछना हो कि क्या आप करेंगे, तो विल यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो अपने सेंटेंसेस जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि आपको क्लियर हो गया है। आगे कोई पोर्शन आता है WH, WH में क्या करना है, तो WH में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है। अब WH वर्ड्स कैसे होते हैं, WH वर्ड्स है ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो या तो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं। W से कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे when, where, why, how, अब हाउ किसे एच से हो रहा है, तो डब्ल्यू एच मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वर्ड जो डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, अब ये विल को स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, मतलब सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर उसके बाद विल आएगा, तो वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे, वाई विल यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आएंगे, वाई विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलेंगे, वेन विल यू गो देयर, आप वहाँ कब जाएंगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बात की फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की, जहाँ पर हम बताते हैं कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो सेंटेंस आपको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।